नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। जोशीमठ में आई आपदा के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि चमोली जनपद के कर्णप्रयाग में भी आपदा जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। क्या सच में देवभूमि में मंडराती दहशत देवभूमि को पाताल लोक में पहुंचा देगी या फिर ये सिर्फ महज एक इत्तेफाक है? इन सब बातों की सच्चाई जानने के लिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो कर्णप्रयाग पर पहुंची और जाना क्या है कर्णप्रयाग आपदा की सच्ची कहानी। देखिए कर्णप्रयाग से सुभाष कौर की ग्राउंड रिपोर्ट। हम कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, रात को सोना नहीं है। अभी कोई राहत नहीं है, उन्होंने कहा कि प्रस्ताव हम जिलाधिकारी को भेज रहे हैं। अब इन रोडों पर जो लापरवाही हुई, यहाँ मकानों पर जो है हलचल मच गई। अभी केवल लिस्ट ले जा रखे ना, बाकी कोई आश्वासन दिया है, बाकी और कुछ कार्रवाई नहीं हुई। हमेशा ये डर रहता है कि बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा। आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम कर्णप्रयाग पहुंची है और कर्णप्रयाग में ग्राउंड जीरो पर जाकर देखेगी कि आखिरकार कर्णप्रयाग के भगुड़ा नगर में क्या सच में जोशीमठ की तरह लोगों के घरों में बड़ी बड़ी दरारें हैं। यदि वो दरारें हैं तो राज्य सरकार और चमोली प्रशासन इतने समय से गहरी नींद में क्यों सोया था? इन सभी सवालों के साथ न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम आज कर्णप्रयाग पहुंची है। क्या धरती डोल रही है? कुदरत का लगातार हो रहा प्रचंड प्रहार, कुदरती आफत से कांप रही धरती, देवभूमि उत्तराखंड में एक साथ कई खतरे मंडरा रहे हैं। जोशीमठ का खतरा अभी टला भी नहीं था कि एक और खतरा देवभूमि में मुंह फैलाए खड़ा हो गया है। इस मंडराते खतरे से देवभूमि के लोग भी अब खौफ में जीने को मजबूर हैं। एक तरफ जोशीमठ कभी भी धरती में समा जाएगा तो वहीं देवभूमि में एकाएक खतरे बढ़ने लगे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खिसकने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जोशीमठ में आई आपदा से लोग अभी उभरे भी नहीं थे कि कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में भूदशाव देखा जा रहा है, जिसके बाद से ही यहाँ लोग दहशत में रहने के लिए मजबूर हैं। लोग सोचने को मजबूर हैं कि आखिरकार देवभूमि उत्तराखंड पर ये किसकी नजर लगी, देवभूमि में ये विनाश क्यों हो रहा है। कर्णप्रयाग के भगुड़ा नगर में जिस तरीके से भूदशाव हो रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये भगुड़ा नगर का एक घर है जिस घर में अब कोई व्यक्ति रहना नहीं चाहता और उसकी मुख्य वजह ये है कि जोशीमठ के तर्ज पर यहाँ भी उसी तरीके की बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही हैं जैसे जोशीमठ में देखने को मिल रहे थे। ये एक घर है, हालांकि इस घर में अभी कुछ दिन पहले इस घर में सभी लोग रहते थे, लेकिन अब घर छोड़कर यानी कि जो यहाँ रहते थे उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और उसकी मुख्य वजह ये है कि इस क्षेत्र में, इस भगुड़ा नगर में भी लोगों के घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ रही। आप देख सकते हैं ये इस घर का किचन होगा, इस घर की रसोई में लोग खाना बनाते होंगे, लेकिन आज स्थिति ये है कि इन घर की रसोई में इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई कि खाना तो दूर, यहाँ रहना भी लोगों के लिए दुर्लभ हो गया। और ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि अब यहाँ के लोगों की परेशानियाँ भी ज़रूर बढ़ रही हैं। ये एक पहला कमरा था और इसके बाद हम जहाँ जा रहे हैं ये दूसरा कमरा तो बेहद ही बुरी स्थिति में नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो ज़मीन थी, जो फर्श था, वो भी एक तरफ नीचे हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पूरा नीचे हो चुका है, फर्श पूरा टूट चुका है और इससे सब ये साफ पता चलता है कि इस क्षेत्र में भूदशाव जैसी स्थिति बेहद ज़्यादा बढ़ रही है और ऐसे में यहाँ के लोगों की परेशानियाँ भी बेहद ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब देखना होगा कि राज्य सरकार और यहाँ का प्रशासन इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था बनाता है। क्या देवभूमि में आने वाली है प्रलय? क्या जल्द ही आने वाली है कयामत? क्या धरती में समा जाएगी देवभूमि? कर्णप्रयाग में धरती के सीने पर ये दरारें प्रकृति की तरफ से दिए गए वो खौफनाक जख्म है जिसका भरना अब मुश्किल लग रहा है। और अगर ये खौफनाक जख्म ऐसे ही उभरते रहे तो वो दिन भी दूर नहीं जब देवभूमि पाताल लोक में समा जाएगी। देवभूमि में इन खौफनाक जख्मों से देवभूमि के लोग ही नहीं बल्कि देश के लोग भी खौफ में जी रहे हैं। कर्णप्रयाग नगर के लोग अभी से उम्मीद में हैं कि शायद देवभूमि के देव उनकी रक्षा करेंगे और इस डोलती धरती को फिर से थाम लेंगे, ठीक कर देंगे। कर्णप्रयाग के भगुड़ा नगर में हमने देखा ग्राउंड जीरो पर कि क्या सच में
भगुणा नगर की स्थिति भी जोशीमठ की स्थिति की तरह है। तो हमने पाया कि भगुणा नगर यानी कि कर्णप्रयाग में भी कई ऐसे मकान थे जिन मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी। हालांकि प्रशासन की टीम यहां ज़रूर पहुंची, लेकिन ना तो उन लोगों को मुआवजे मिले और ना ही कोई सुरक्षित स्थान जहां वो रह सके। और आज ऐसी स्थिति है कि भगुणा नगर के ये लोग अपने घरों में ना रहने के लिए मजबूर हैं, आसपास के क्षेत्रों में किराए के मकानों पर रहकर अपना जीवन चला रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि राज्य सरकार और कर्णप्रयाग प्रशासन किस तरीके से इन लोगों की मदद करता है, और यदि इन लोगों की मदद नहीं होती है तो ऐसे में वो इन घरों में कैसे रहें। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में आई इन दरारों को देखकर यही लगता है कि कुदरती बंटवारे के जरिए प्रकृति अपना बदला ले रही है। कर्णप्रयाग में दरारें डरा रही है और ऐसे में यहाँ रहने वाले लोग भी खौफ में जीने को मजबूर हैं। पर ये लोग अब जाए तो जाए कहाँ, प्रशासन ना तो इनकी सुध ले रहा है और ना ही इनको कोई ऐसी सुरक्षित जगह दे रहा है जहाँ ये शांति से जी सके। कर्णप्रयाग के भगुणा नगर में हो रहे भू धसाव को लेकर कई परिवार यहाँ प्रभावित हुए हैं। एक परिवार हमारे साथ मौजूद है, सती परिवार है, उनसे जानेंगे कि किस तरीके की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है। मैम, आप लंबे समय से यहाँ रहती हैं, अब आपका घर भी धस रहा है, कितनी समस्याओं से आपको जूझना पड़ रहा है? अब इसको देख के लगा सकते हैं आप हम कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। रात को सोना नहीं है और जरा बारिश हुई तो कहीं दौड़ जाना। 2 साल से ये हो रहा, पर कोई नहीं आया, किसी प्रशासन का नहीं है, किसी का कोई देखने हुआ, उससे पहले तो कोई नहीं आया। इस समय जरा जोशीमठ का वो हुआ तो आ गए सब, तब पत्रकार भी आए, तब सब आए, उसके बाद पहले तो कोई नहीं आया। पिछले साल भी हम रात को यहाँ नहीं रहे, प्रशासन ने जरूर कहा कि तुम यहाँ रहो नहीं, भाई रहो नहीं तो जाओ कहाँ, जाना कहाँ है, बच्चे हैं अपने साथ, छोटी बच्ची है, बहू है, लड़का है, कमरे के हाल आपने भी देख लिए, सभी ने देख लिए, ये समय तो सब ने देख लिया था। अब यहाँ रहने का तो कोई मतलब नहीं है, पर हम 4 महीने के लिए कहीं पे जाते हैं, फिर क्या होगा। आप कह रहे हैं कि प्रशासन की टीम मुस्तैद नजर आई जोशीमठ के बाद, उसके बाद क्या कहा प्रशासन ने आपको, कोई साफ जगह दी? पूरा देखा, उन्होंने कहा कि किराए पर मतलब मकान ले लो, तो किराए पर ले रखा हमने, तो रात को जा रहे हैं। फिर नहीं, राहत के तौर पर कोई राहत के तौर पर कोई पैसे कुछ जमा पूंजी? अभी कोई राहत नहीं है, उन्होंने कहा कि प्रस्ताव हम जिलाधिकारी को भेज रहे हैं। सर, आप लोग किराए पर रह रहे हैं, आप कह रहे हैं रात में रह रहे हैं, अपना मकान छोड़ के बुरा लग रहा है? नहीं, अपना मकान अपने खून, पूरी जिंदगी के पैसे, मैं तो सन 10 में रिटायर हो गया, उसके बाद मतलब जो पैसे मिले सब इसी पर लगाए। हाल ही में पढ़ के साल हुआ था, इसमें लिखा था हमने तत्कालीन SDM को, उन्होंने कभी देखा नहीं। जो पहले थे एक SDM यहाँ, खड़िए नए आरक हैं, वो काफ़ी क्विक हैं, वो परसों आए थे, तुरंत ज्वाइन करके आए थे वो। सुनीता जी, यहाँ पे भूत हसाब हो रहा है, आपका भी मकान है, कितने डरे सहमे रहते हैं आप? हम हमेशा ये डर रहता है कि क्या बोलते हैं, अभी गिरेगा तभी गिरेगा, क्यों मंडी से आपने देख लिया होगा कि हम ये जब ये मंडी बनी थी 2012 में, तब से हम बहुत परेशान हैं, पर ये धीरे 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 करके 1 साल से ये अब ज़्यादा ही हो गया है यहाँ पर, मतलब धीरे धीरे। बरसात में तो ज़्यादा ही डर रहता है कि अभी फटेगा तभी फटेगा यहाँ, वो मतलब दरारें इतनी बढ़ चुकी हैं इस मोहल्ले में कि हमेशा यही भय रहता है कि अभी मकान नीचे गिरता है तभी नीचे गिरता है। तब मिस्टर जी, आपका मकान भी धस रहा है, क्या प्रशासन से बात हुई, कितने परेशान आप? परेशान तो बहुत ज़्यादा हैं, प्रशासन ने यहाँ पे 31 मकानों को चिन्हित किया है और 8 परिवारों को उन्होंने नोटिस थमा दिया है कि आप कहीं अन्यत्र शिफ्ट हो जाएं, और यहाँ पे एक रैन बसेरा को उन्होंने दिया है, लेकिन वहाँ पे रहने लायक जगह नहीं है वो, ना तो वहाँ एक कमरा दे रखा उन्होंने, न उस पर ना किचन है ना कुछ है, तो वहाँ रहना संभव नहीं है। और अभी केवल लिस्ट ले जा रखे हो ना, बाकी कोई आश्वासन दिया है, बाकी और कुछ कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, ना हमें जोशीमठ के तर्ज पे ना हमें कोई मुआवजा दिया गया या कोई शिफ्टिंग चार्ज वगैरह। सेम तरह की घटना यहाँ भी है जिस प्रकार की जोशीमठ में है, लेकिन हमें कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई राहत नहीं दी गई। ये कब से हो रहा है, पहले भी आप लोगों ने कभी? हाँ, हमने कि ये दो सालों से ज़्यादा हो रहा है, पहले तो ये 2012-13 में मंडी का निर्माण हुआ, उससे लगातार उसके बाद यहाँ पर लगातार दरारें आनी शुरू हो गई, लेकिन ये पिछली बरसात में बहुत ज़्यादा दरारें आई। सती जी, आपका मकान में भी दरारें आई हैं, कितनी समस्याएं आ रही हैं? समस्या ये है कि बेटा ये है कि ये है दैविक आत्मा,
दैविक आपदा, इसमें लापरवाही हम लोगों के द्वारा हो रखी है। माने कहने का मतलब है, चाहे सरकार है तो हम हैं, सब कुछ हम हैं। इस पर अगर पहले से अगर सतर्कता होती तो शायद था इतने मकानों पर दरारें नहीं आते। इसके ऊपर PWD की रोड है और नीचे जो है उसकी है मेन रोड है, मतलब यह है कि वो है। इन दोनों माने दोनों रोडों के बीच में ये बस्ती है। अब इन रोडों पर जो लापरवाही हुई उससे इस यहाँ मकानों पर जो है हलचल मच गई। पानी आया ऊपर रोड पर, पानी है बहुत ज़्यादा, मतलब इस कबर बंद है वो सारा पानी आ रहा है। अब जब सड़क पर नदी बहती है तो वो पानी अपने ले जगह ढूंढता है, जहीं पर छेद मिला वहीं पर से नीचे मकान में चले जाता है। अब जब ये ज़मीन जो है ये केवल मिट्टी वाली जमीन है, पथरीली नहीं है, मिट्टी भीग गई, मकाने बैठ गए। देवभूमि उत्तराखंड में हो रहे लगातार भूस्खलन से न केवल यहाँ के लोग प्रभावित हैं, बल्कि लोगों के मन में अब डर का भय भी दिखने लगा है। ऐसे में जरूरत है इन लोगों को सरकार के सहारे की, जो इनके टूटे आशियानों को बसाने में एक बार फिर से उनका साथ दे। ग्राउंड जीरो पर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने पाया कि कर्णप्रयाग के भगुणा नगर में कई ऐसे मकान हैं जिनमें बड़ी बड़ी दरारें हैं, लोग परेशान हैं, उन घरों में अब रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार ये दरारें आई क्यों हैं। हालांकि लोगों का कहना है पिछले लंबे समय से वो सरकार प्रशासन से अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उनकी इन दरारों पर ध्यान दिया जाए और उन्हें कोई सुरक्षित स्थान दिया जाए, लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार उत्तराखंड के पहाड़ों में ऐसी क्या वजह है कि जिस वजह से एक सुंदर बस्ती भी दरारों में समा जाती है, और ऐसा क्या कारण है कि कर्णप्रयाग का ये भगुणा नगर है इनके सभी घरों में अब बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं। हालांकि सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि इनको सुरक्षित स्थान दिया जाए, मकान बना के दिया जाए, लेकिन उससे भी बड़ी मांग इन लोगों की ये है कि सबसे पहले ये पता किया जाए कि आखिरकार जिस भूमि में वो इतने लंबे समय से रह रहे हैं उस भूमि में ऐसा क्या हुआ कि दरारें आना शुरू हो गई है।